दोनों को ला के अनबॉक्स करने का मेरा यही मोटिव है कि इन दोनों का पता चल सके यार कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है, और ये सब आपको मैं लाइव दिखा सकूं। मतलब अनबॉक्सिंग तो सबने की होगी यार, बोला होगा ये बड़ी तगड़ी चीज़ है, बड़ा इसमें ये आ जाएगा, बड़ा वो आ जाएगा, बड़ा ऐसा हो जाएगा, वैसा होता कुछ भी नहीं है। सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये i14 i7 जितनी मेरी चाइना की होती हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, अब इनका पता कैसे चले कि कॉपी है? मार्केट में यही चीज़ आपको 1700 1500 2000 की भी मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि बोलते यार ये तो i18 है, इसमें तो ये मॉडल आ रहे हैं, इसमें तो ये आ रहे हैं। i5, i6, i7, i15, i18, मतलब वो अप टू i1, i22, 33, 44 सब आने वाले हैं। तो अब बात यहाँ पर ये है, जितने भी ये जो एयरपोर्ट्स हैं क्या ये ओरिजिनल हैं या फिर नहीं, तो यही चीज़ इनमें अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी सारी वीडियोस में ऐसे बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है कौन सी नहीं है। तो इस वीडियो में भी हम दो एयरपोर्ट्स अनबॉक्स करने वाले हैं और आपको साथ में बताने वाला हूँ कि आखिर इन एयरपोर्ट्स में रियलिटी आखिर क्या है। दिस इज़ i18 एंड दिस इज़ i14। i7 भी है, i5 भी है, i7, 8, 9, 10 जो भी हैं वो सारे यही हैं, जस्ट डब्बा इनमें से ऊपर नीचे फ़र्क होता है इनका। तो दो एयरपोर्ट्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और प्राइस यहाँ पे जिस बंदे से लाया हूँ तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सब बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो i14 TWS का अगर हम देखें तो डबल V5.0 एयरबड्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी साइडों से बिल्कुल ब्लैंक है एंड बैक साइड पे एयरबड्स एंड विद चार्ज केस एंड ब्ला 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 कुछ लिखा हुआ है। लेट्स अनबॉक्स दिस के अंदर से ये कैसे होते हैं वो ट्राई करते हैं अब। तो सिंपल इसको हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ निकालते हैं और दिस इज़ आवर एयरपोर्ट एंड और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको यहाँ से बंद करते हैं एंड वापस यहाँ पर रख देते हैं। कुछ इस तरह से पैक आ रहा है और ब्लू सी इन्होंने कुछ इसमें लगाया हुआ है, आई डोंट नो। उसके अलावा यहाँ पर यूज़र मैनुअल गिवन दिया गया और आईफोन की एक केबल दी गई जो कि इसको चार्ज करेगी। इसको निकालें आप और आई थिंक सो ये चार्ज नहीं हुए होंगे इसकी वजह से अभी ये ऑफ हैं। तो तब तक हम दूसरे को भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें भी डिफरेंस है या नहीं। तो अब हमारा आ गया जी i18 आ गया, ठीक है। तो अब i18 एंड i14 इन दोनों में यार डिफरेंस देखो क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में यार, मुझे ये बताओ। अब इसमें भी सेम यही चीज़ें हैं जो कि इस वाले में, तो बिल्कुल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी बंद करते हैं और बॉक्स की बात करें ना तो सेम वही सब चीज़ें हैं, सेम वही लिखा हुआ है, बस इस पे i18 जो है वो साइडों पर गिवन दिया गया और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी यही सब चीज़ें हैं। बताने का मकसद ये है आपको, मतलब अनबॉक्सिंग तो सब ने की होगी यार, बोला होगा ये बड़ी तगड़ी चीज़ है, बड़ा इसमें ये आ जाएगा, बड़ा वो आ जाएगा, बड़ा ऐसा हो जाएगा, वैसा होता कुछ भी नहीं है। सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये i14 i7 जितनी मेरी चाइना की होती हैं, ठीक है, ये सेम होती हैं, ठीक है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता। बस ऊपर बॉक्स जो होता है ना इनका वो चेंज होता है, बॉक्स जो है वो पेशावर में खुद ही बन जाता है, तो वहाँ से बॉक्स बनाते हैं और लेकर आ जाते हैं। अगर ओरिजिनल की बात करें इनकी ना, ओरिजिनल 5000 प्लस आते हैं जो कि पाकिस्तान में तो यार मैंने आज तक देखे ही नहीं है कि पाकिस्तान में i7 इस तरह के ओरिजिनल प्रोडक्ट भी आए। खैर कॉपी की अगर ये फर्स्ट कॉपी है बेसिकली, तो अगर कॉपी की बात करें कॉपी भी काफ़ी अच्छी चल जाती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। अब इनका पता कैसे चले कि कॉपी है? अब कॉपी का इस तरह से पता चलता है कि जब आप ये चीज़ ले लेते हो, लेके यूज़ करते हो और उसकी बैटरी टाइमिंग देखते हो आपके यार इसकी बैटरी टाइमिंग असल में क्या है। तो खैर इसकी बैटरी टाइमिंग यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हद मार के ना फर्स्ट कॉपी चलती है 4 घंटे, ये भी और ये भी, और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और आप टू सेवन जितनी कॉपीज़ हैं वो हद मार के 1 घंटा या फिर आधा घंटा या फिर 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाए उतनी चलती हैं। वो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा हाँ भाई ये मैं कॉपी ले चुका हूँ और अब जो है काम हो गया, तमाम हो गया। ओवरऑल यार इसकी अगर वेट की बात करें ना, लाइट वेट है,
ठीक है, ये कानों को एक जो होते हैं वो दर्द करने वाले ना, तो वो भी नहीं है बिल्कुल यार, हल्के हैं। और अगर इनकी साउंड की मैं बात करूँ ना, तो साउंड इनका बेहतर है कंपेयर टू अदर्स एयरपोड्स जो के मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं साउंड इनकी सुन चुका हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, मतलब मीडियम में आती है। और ओरिजिनल तो यार आपको पता है कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन इनकी जो वॉइस है ना बेहतर है, काफ़ी बेहतर है यार। मार्केट में मैंने ऐसे एयरपोर्ट भी देखे जो कि लेते हैं और उनकी आवाज़ इतनी पतली होती है यार, इतनी पतली होती है कि बंदा बोलता है ना तू ले ले भाई इसे वापस, हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा गंदा प्रोडक्ट होता है वो। तो इसका ये कि फर्स्ट कॉपी है यार। तो प्राइस टैग की बात करते हैं इसमें, तो मार्केट में यही चीज़ आपको 1700, 1500, 2000 की भी मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं यार ये तो i18 है, इसमें तो ये मॉडल आ रहे हैं, इसमें तो ये आ रहे हैं, ये कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता, सब एक चीज़ होती है। और अगर तो आपको ये बाय करने हैं मेरे सेलर से यार, जिससे मैं प्रोडक्ट उठाता भी हूँ आजकल और लेता भी हूँ, तो वो आपको 999 रुपीज़ का दे देगा, मतलब कि 1000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये यार फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, बता दूँ आपको पहले कि बाद में आप उससे ना बोलो कि यार आपने तो ये बोला था तो अब आप ये कर रहे हो। तो नंबर जो है उसके बेचारे का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से अगर आपने बाय करना हो तो कॉन्टैक्ट करके उससे आप सिंपल बाय कर सकते हो। ये हमारी आज की वीडियो थी, और ओवरऑल आई थिंक सो मैंने सब कुछ बता दिया और वो चीज़ें बताई जो कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से इससे पहले YouTube पे किसी ने बताई भी होंगी। तो मेरे चैनल का यार मोटिव ये है कि यार जो भी चीज़ बताऊँ सही से आपको बताऊँ, ताकि आपको पता चल सके यार क्या चीज़ कैसे है और क्यों है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।